वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, दिस इज कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी टेक 60 एंड 31 एंट्री कोर्स 2022 की। सो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग डेट क्या है, लास्ट डेट कब है, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, क्या सिलेक्शन मेथड होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितना वक्त मिलेगा आपको इस शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस के बाद, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम जो आपको एसएसबी इंटरव्यू में फेस करने के लिए मिलता है, तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस पूरे सेशन में मिलने वाले हैं। ऑल्सो वाई एम टेलिंग यू दिस, बींग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, बींग ट्रेंड मोर देन 10,000 प्लस कैंडिडेट्स विद गिविंग मोर देन 250 प्लस रिकमेंडेशंस इन द पास्ट टू ईयर्स, विद माई ब्रदर ऑल्सो सर्विंग इन टू द फोर्सेज, आई टेल यू द एग्जैक्ट ग्राउंड रियालिटी एंड ग्राउंड फिगर्स फेस्ड बाई स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव फेलियर स्टोरीज ऑल्सो, आई हैव सक्सेस स्टोरीज ऑल्सो with me, which I tell students to, you know, make it through the forces. So a lot of inspiring things you will learn and बहुत आराम से आप अपनी SSB interview की preparation कर सकते हैं, इस examination को clear कर सकते हैं. There is nothing much in this entry. The only thing is the right decision, right opportunity, right timing that you need to manage. You need to utilize, you need to put in all your efforts and make a strategy, plan out things, and I'm sure things will work out for you in a favorable manner. So before going deep into this particular entry details and SSB interview ki preparation ke bare mein, sabse pehle jante hain iske main application dates ke bare mein, criteria ke bare mein, एज के बारे में कि आप एलिजिबल है कि नहीं। वंस वी फाउंड दैट यू आर एलिजिबल, देन देयर आफ्टर वी कैन हैव अ स्ट्रेटजी और हम अपनी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं। सो इफ आई शो यू दिस नोटिफिकेशन व्हिच इज बीन रिलीज्ड बाय द इंडियन आर्मी, सो इसमें आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बताई गई हैं कि अब इसके डेट स्टार्ट हो रहे हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो रहा है, किस बीच में आपका टेन्योर होगा एसएसबी इंटरव्यू का, एंड देयर आफ्टर कब आपका कोर्स कमेंसमेंट है। तो एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे दिए गए हैं एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। सो टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट यू नीड टू टेक कीप इन माइंड, सो सबसे पहले एसएससी टेक 60-31 एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट जो है दैट इज समवेयर अराउंड 26th of July, यानी आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म के डेट स्टार्ट हो रहे हैं, एंड द लास्ट डेट वुड बी 24th of August। सो डू नॉट वेट टिल दिस पर्टिकुलर डेट 24th August, बिकॉज कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं। फॉर्म भरते टाइम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही केयरफुली फिलअप करिएगा, बिकॉज बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेन आते हैं, या एसएसबी इंटरव्यू जब आप जाते हैं सिलेक्शन सेंटर्स में तो वहां पे आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स गलत होते हैं, तो यू नीड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बहुत आराम से फिलअप कर रहे हो और एक एक डिटेल्स डॉक्यूमेंट को देख के फिलअप कर रहे हो। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम प्लीज ध्यान रखिएगा। देन यू विल बी हैविंग योर एसएसबी इंटरव्यूज, जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस होगा, इट अगेन टेक्स अराउंड अ मंथ, एंड ऑलमोस्ट आपके एसएसबी जो है वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू नवंबर आपके एसएसबी के डेट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी और आपको कॉल आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी दैट विल बी इन अप्रैल, एंड आपका जो ज्वाइनिंग डेट होगा दैट विल बी इन अप्रैल 2023। सो ये अप्रैल 2023 का कोर्स कमेंसमेंट है, तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। फिलहाल आपको जो इसमें ध्यान रखना है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म डेट एंड लास्ट डेट व्हिच इज 24th of August, एंड देयरफॉर आपके एसएसबी इंटरव्यू के प्रिपरेशन, जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट अगर शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद बहुत ही कम टाइम मिलता है, यानी 10 से 15 दिन मिलते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अगर आप इस एंट्री में अपने कोर्स कमेंसमेंट को देख रहे हैं अप्रैल 23 के लिए और आप इस एंट्री को लेके फोकस्ड हैं, सीरियस हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आप अपना जो एसएसबी प्रोसेस है उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दें। नाउ एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो जो एज लिमिट है दैट इज फॉर मेन 20 and 27 years, मैन एंड वुमेन बोथ के लिए 20 to 27 years है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट फिगर्स अप्रोक्सीमेट ईयर्स की बात करूं, सो यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2nd April 1996 to 1st April 2003, ठीक है, इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए। एंड फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल मैक्सिमम एज इज 35 years। नेक्स्ट,
एजुकेशन डिटेल्स की अगर मैं बात करूं, सो ओनली दोज कैंडिडेट्स आर एलिजिबल जो मे बी फाइनल ईयर में है या पास्ड आउट है और उस एज ब्रैकेट के अंदर फॉल आउट कर रहे हैं. अगर आप फाइनल ईयर में हैं, सो मेक श्योर कि आपका कोर्स कमेंसमेंट है अप्रैल में, तो आपको जो अपनी ओरिजिनल डिग्री सबमिट करनी होगी, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्कशीट की नहीं बात करी, जो आपको ओरिजिनल डिग्री सबमिट करनी होगी वो अप्रैल, 1 अप्रैल से पहले आपको सबमिट करनी होगी, जिसमें आपके मार्कशीट वाइज सारा आप अपनी डिटेल्स अलॉन्ग विद योर डिग्री सबमिट करेंगे, अदरवाइज आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा एकेडमी में, ठीक है. एंड इसके लिए भी प्रोविजनल एंड बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा दैट यू विल बी सबमिटिंग योर डिग्री बाय 1 अप्रैल. तो अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, यानी ये क्राइटेरिया अगर आप मैच आउट करते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं इस ईयर में अप्लाई करने के लिए. अदरवाइज जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपकमिंग एंट्रीज भी होंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपको देखना होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में, और वो आपको डिग्री कब प्रोवाइड करेगा. नाउ हाउ डू यू नीड टू अप्लाई, तो आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे. हियर यू विल सी ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई वर्सेस लॉग इन. तो जिन भी कैंडिडेट्स के पास अकाउंट होगा, यू नीड टू फिल इन योर यूजर नेम, पासवर्ड एंड दिस कैप्चा एंड लॉग इन, एंड आपका पेज प्रॉपर ओपन हो जाएगा. वहां पे आप सर्टेन टैब्स के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करिए. जिन एप्लीकेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेंट्स जॉइन इंडियन नामी की वेबसाइट को, वहां पे आपको अगेन इसी टैब पर क्लिक करना होगा, बट देयर आफ्टर यू विल गेट टू ऑप्शंस, या तो लॉग इन करने का और रजिस्टर एज न्यू यूजर. सो अगर आपकी कोई आईडी नहीं बनी है, यू हैव टू रजिस्टर एज न्यू यूजर, एंड वंस आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप कर देंगे, सो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है. नाउ दिस इज द प्रोसेस हाउ यू नीड टू अप्लाई. नाउ कमिंग अबाउट हाउ यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड क्या होता है, कैसे आपको क्लियर करना होता है. सो ये कम्प्लीट एग्जामिनेशन जो होता है, इसका सिलेक्शन मेथड होता है SSB इंटरव्यू. SSB इंटरव्यू के बारे में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज ऑलरेडी पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी. तो इसमें दो से तीन स्टेजेस होते हैं, आई कॉल इट 3 स्टेज. स्टेज वन आपका टेस्टिंग होता है, विच इज द स्क्रीनिंग स्टेज या PPDT स्टेज, जो आपका Day 1 पे होता है. वंस आप Stage 1 को क्लियर करते हैं, यू हैव Stage 2 विथ यू, जिसमें आपके वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, विच इंक्लूड योर साइकोलॉजी टेस्ट, GTO टेस्टिंग, इंटरव्यू टेस्टिंग, एंड देन योर कॉन्फ्रेंस. एंड थर्ड स्टेज इज बेसिकली द मेडिकल स्टेज. जब आप इससे रिकमेंड होते हैं, देन यू फेस योर मेडिकल्स, एंड देयर आफ्टर मेरिट बनती है एंड यू गेट सेलेक्टेड. सो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, वो यूजुअली दे क्लियर दिस मेरिट वाला थिंग ऑल्सो. नाउ सो टेलिंग यू अबाउट द SSB इंटरव्यू प्रोसेस, वॉट यू नीड टू टेक सीरियसली अबाउट SSB इज दैट SSB इज समथिंग विच नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर. अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, इवन इफ यू आर रिपीटर ऑल्सो, देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कम्प्लीट प्रोसेस एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट इज देयर. तो अगर यू हैव डिसाइडेड टू क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फर्स्ट गो, देन यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड अबाउट योर SSB इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो एग्जैक्ट क्या स्ट्रैटेजीज होती है, क्या अप्रोचेस होते हैं, कैसे आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ. अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन में, क्योंकि बीइंग अ रिपीटर ऑल्सो, बीइंग अ फ्रेशर ऑल्सो, वी नेवर नो आर एरियाज कि हम कहाँ पे वीक है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स है. सो यू डू नॉट नीड टू वरी, घर बैठ के यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर SSB इंटरव्यूज. आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट जिन्होंने 10-15 दिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, बट दे हैव नॉट गॉट सक्सेसफुल रिजल्ट्स, बट ज्वाइनिंग विद अस एंड गिविंग अस अ टाइम पीरियड ऑफ 2 से 2.5 महीने में उन बच्चों ने SSB एग्जामिनेशन को क्लियर किया, जिन्होंने कभी SSB को क्लियर नहीं करा, दे वेर 13 टाइम रिपीटर्स, 14 टाइम रिपीटर्स, एंड दे हैव क्लियर देयर SSB इंटरव्यू with us. So nothing special I'm doing is because I have trained almost like 10,000 plus students in past 2 years. I have my brother itself serving into the forces. I have got recommendations of 250 plus students, jo regular those students are in touch with me, those students have shared their success and failures with me, and the exact thing I am guiding you here. So here you will get SSB interview ebook package, complete ebook package along with video lectures. So usually
प्रॉब्लम कहाँ से आती है, जब हमारी बेस क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन सेंटर से लेके डॉक्यूमेंट से लेके जो एक एक टेस्ट है, हर टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे इंडिविजुअल बुक्स तैयार की गई हैं, उनसे रिलेटेड आपको सैंपल दिए गए हैं, सैंपल के बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, एंड देयर आफ्टर यू कैन डायरेक्टली गेट कनेक्टेड विथ मी, जहाँ पे आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। देयर आफ्टर आप पैकेज को रेफर करने के बाद वीडियो लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, सो यू गेट मोर क्लैरिटी, क्योंकि बुक्स में तो आपको प्रैक्टिस एक्सप्लेन की गई है विद पिक्चर्स, बट वीडियो लेक्चर्स में आपको और अच्छे से बेटर फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है अबाउट एवरी टेस्टिंग प्रोसेस, एवरी स्टेज, एवरी एग्जामिनेशन दैट इज इनसाइड देयर दोज डेज। ठीक है, तो ये डिटेल स्ट्रेटजी एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर से, एंड इमीडिएटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एज आई हैव शोन यू अर्लियर ऑल्सो इन द स्टार्टिंग सेशन की फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स वी हैव बीन चेजिंग दिस एस एस सी टेक एंट्री एंड वी आर गेटिंग ट्रिमेंडस रिजल्ट एंड वी आर होपिंग दैट दिस ईयर ऑल्सो वी विल गेट मैक्सिमम रिकमेंडेशन ऑफ आर स्टूडेंट। सो आई होप द सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। And just be focused after filling the application form. There should be only one thing in your mind that you need to clear this SSB interview in this attempt only and join the services next year. Agar is aim ke saath aap SSB interview ko serious lete hain, prepare karte hain, then nobody can stop you from getting recommended. Mark my words. Theek hai? So just have faith in yourself, have confidence in yourself, and you all can do it. You all have it in you. It is just It requires just a polishing, which can easily be done once you are focused and once you start your preparation for SSB. So, thank you everyone, and I'll see you in the next session. Whatever doubts you have, aap mujhse pooch sakte hain. I'll be most happy to answer them all. You can download the app, get connected to me. Aap apne queries personal level pe pooch sakte hain, or you can contact me through WhatsApp. So, thank you and wish you all the best.